हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध पूरे देश में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। इस विरोध में छात्र बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। हाल ही में इस मामले को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में दिखी। इस मुद्दे पर हुमा कुरैशी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर जैसे कई साज अपनी राय रख चुके हैं। सरकार के इस कानून को लेकर सोशल मीडिया पर लोग दो गुट में बटे नजर आ रहे हैं। इसी बीच जामिया में हो रही हिंसा को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने देश के नामचिन हस्तियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर डाला, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी का नाम शामिल है। दरअसल जैसे कि सभी जानते हैं, जहां इस मुद्दे पर सभी अपनी राय रख रहे हैं, तो वहीं सचिन, विराट और धोनी जैसे पॉपुलर खिलाड़ियों ने इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। यही वजह है कि अनुभव सिन्हा ने उन्हें टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी खिलाड़ी की कोई राय है, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि आप इस बर्बर कार्रवाई का समर्थन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपकी कोई राय नहीं है तो हम जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, क्या आप समाचार देख रहे हैं? क्या आप लोगों को कुछ कहना है? तो आप देख ही सकते हैं कि अनुभव सिन्हा ने तीनों के ही चुप्पी पर सवाल किए हैं। वहीं लोग भी सोशल मीडिया पर अनुभव सिन्हा के इस स्टेटमेंट पर अपनी सहमति जता रहे हैं। वैसे विराट, सचिन और धोनी कोई पहले नहीं है जिन्होंने इस मामले पर कोई रिएक्शन ना दिया हो। इससे पहले शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की चुप्पी को लेकर भी लोग सवाल कर चुके हैं। लोगों ने ट्विटर पर #ShameOnBollywood ट्रेंड करना शुरू कर दिया था और लगातार अपनी भड़ास निकाल रहे थे।